हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपके गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी कि विंटर फ्लावर्स तो देखिए आप सब लोग शौकीन हैं, सब लगाते हैं। तो आज मैं कॉमन बात करूंगी कि हमने जितने भी विंटर फ्लावर्स हमारे घर में लगाते हैं उनकी हमें देखभाल कैसे करनी है। तो कोई भी आप लगाते हो, विंटर फ्लावर्स के नाम मैंने आपको एक 3-4-5 दिन पहले वीडियो डाला है, सारे विंटर फ्लावर्स के नाम बताए हैं आपको, स्क्रीन पे लिखे हुए नाम आए होंगे उनके। तो जितने भी हैं करीब मेरे पास 20-25 वैरायटी है और भी बहुत वैरायटीज आती हैं। तो इनकी कॉमन देखभाल कैसे करनी होती है, देखिए विंटर फ्लावर्स में जो ज़्यादातर प्लांट्स होते हैं उन्हें चाहिए होती है धूप, अच्छी धूप। तो पहली चीज़ तो मैं सबसे पहले तो चलिए ये बता देती हूँ कि जब भी आप कोई विंटर फ्लावर्स के नाम वाला मेरा वीडियो देख सकते हो, जब भी कोई आप फ्लावरिंग प्लांट, विंटर फ्लावरिंग प्लांट लेके आते हैं तो आप उसका सबसे पहले तो ये देखें कि उसको धूप कैसे चाहिए होती है। या तो आप नर्सरी वाले से पूछ लें या फिर आप वीडियो निकाल के देख लें विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स वाली, उनमें आपको विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के साथ कम धूप वाले भी बताए हैं मैंने, किनको कम चाहिए किनको ज़्यादा चाहिए। तो सबसे इजी ये रहता है कि आप नर्सरी वाले से भी पूछ सकते हैं, या फिर आप नर्सरी में जब लेते हैं ना तो थोड़ा सा ध्यान रखा करें कि नर्सरी वाले ने वो वाला पौधा किस जगह रखा हुआ है, कि वहाँ उसको कितनी धूप में रखा हुआ है, या उसको कई बार हल्की सी शेड में रख देते हैं वो लोग, उससे भी पता चल सकता है। और सबसे अच्छा तो ये है कि आप विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के नाम वाली वीडियो देख लें, उससे पता चलेगा। फिर दूसरी चीज़, ज़्यादातर जो पौधे होते हैं उन्हें धूप ही अच्छी लगती है, कुछ जिनको धूप नहीं अच्छी लगती उनके नाम मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ये पेंजी है, इसे सिर्फ सुबह सुबह की धूप चाहिए होती है। और ये देखिए ये है पॉइनसेटिया, पॉइनसेटिया को भी सुबह सुबह की धूप या 3-4 घंटे की धूप मिल जाए अच्छा है। और नहीं तो फिर ये पत्ते, ये रिपोर्टिंग शौक से पत्ते भी झड़ा देता है, थोड़ी सुबह की धूप इसको चाहिए। ये देखिए मजेंटा वाला पॉइनसेटिया है। और कलांचू देखिए, ये कलांचू है, कलांचू को भी धूप कम चाहिए होती है, इधर मैंने रखा हुआ है देखिए ये, इनको भी सुबह सुबह की बस 2-3 घंटे की, मैक्सिमम 4 घंटे की धूप कलांचू को मिले तो बेस्ट होता है। फिर ये देखिए प्रिम रोज यहाँ रखे हुए हैं, इनको धूप कम चाहिए होती है। सिनेरेरिया को धूप कम चाहिए होती है, बस सुबह सुबह की थोड़ी सी मिल जाए। बिगोनिया को कम चाहिए होती है। तो ये कुछ पौधे हैं जिनको धूप कम चाहिए है, जैसे ये फ्लावरिंग प्लांट तो नहीं है लेकिन कोलियस को भी देखिए, अब ये कोलियस मेरे पुराने हो गए हैं तो अब इनमें से कटिंग लगाने की ज़रूरत हो गई है, पौधा मैच्योर हो गया है। मैं अब इसकी कटिंग नहीं लगाऊंगी तो धीरे धीरे ये पौधा मर जाएगा, तो इसको कोलियस को सुबह सुबह की धूप चाहिए होती है। तो ये मैंने आपको कुछ ऐसे ही साथ में पौधे बता दिए हैं जिनको कम धूप चाहिए होती है। तो पहली चीज़ तो लाने के बाद जो कम धूप का पौधा है उसे कम धूप में रखें, और जिसको ज़्यादा धूप चाहिए होती है उनको ज़्यादा रखें, जैसे वर्बीना है, पिटूनिया है, डॉग फ्लावर है, और रेननकुलस है, ऐसे बाकी मतलब जो मैंने ये कम लाइट वाले बताए हैं ना, इनके अलावा जितने भी पौधे हैं उनको ज़्यादा धूप चाहिए होती है। तो उनको आप पहले तो सबसे पहली चीज़ धूप में रखें, अगर आप धूप में नहीं रखेंगे तो आपके पौधे जो हैं वो फ्लावरिंग नहीं करेंगे, फ्लावरिंग के लिए इनको धूप चाहिए होती है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि अब हमें सर्दियों में पानी इनको बहुत ज़्यादा नहीं देना है, पानी बहुत ज़्यादा देंगे तो इनकी जड़ें गल जाएंगी, क्योंकि ये जो सीजनल प्लांट्स हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, इनकी जड़ें छोटी होती हैं, छोटी छोटी सी जड़ें होती हैं, बहुत गहरी और मोटी मोटी मजबूत जड़ें नहीं होती हैं, फाइब्रस रूट्स होती हैं। तो इससे क्या होता है कि इनकी जड़ें छोटी होने के कारण इनको पानी आप बहुत ज़्यादा देंगे तो वो गल जाती हैं, और आपका पौधा अचानक देखना एक दिन आपका पौधा जो है वो आज ठीक है, अगले दिन वो आपको उसकी पत्तियाँ झुकी हुई और मरा हुआ मिल जाता है, क्योंकि हमने पानी ज़्यादा दे दिया। पानी ज़्यादा देने से फंगस लग गई जड़ में और आपका पौधा जो है उससे ख़त्म हो जाता है, इसलिए इनको पानी आपको बहुत ज़्यादा नहीं देना है, एक दिन छोड़ के एक दिन देना है, या कभी कभी अगर मिट्टी गीली है, बादल हैं जैसे और नहीं तो फिर आपको 2 दिन छोड़ के भी देना है। बस इसकी जो मिट्टी है वो मॉइस्ट रहनी चाहिए, देखिए ये इन पौधों की मिट्टी मॉइस्ट रहनी चाहिए, देखिए बस ऐसी गीली गीली नहीं रहनी चाहिए, जैसे मैंने अब इनको परसों पानी दिया था तो आज भी अभी देखिए इनको पानी की ज़रूरत
नहीं है ये देखिए, अब मैं इनको कल दूंगी पानी। तो ये देख के आपको देना है कि जब ऊपर की लेयर हल्की सी सूखने लगे, ज्यादा भी नहीं, स्पेशली इस पेंसी के लिए बहुत ज्यादा सूख जाएगी तो भी पौधे को नुकसान होता है। हल्की सी जैसे ऊपर की लेयर सूखने लगती है बस उस टाइम आपको पानी देना है। मिट्टी देखिए यहाँ भी आप देख रहे हैं, मिट्टी देखिए ऐसी है और इतनी सूखने भी नहीं देनी है। देखिए जैसे इसको मैंने ज्यादा सूखने दी तो ये देखिए अब इनमें पानी नहीं डाला होगा तो देखिए इनमें बहुत कम है, ऐसी भी नहीं होने देनी है। तो दूसरी चीज हो गई पानी का ध्यान रखें, पहली चीज धूप हो गई, धूप मिलनी इनको बहुत जरूरी है। दूसरी चीज हो गई कि पानी का हमें ध्यान रखना है। तीसरी चीज जब भी पानी देंगे हम मिट्टी में ही इस लेवल पे, जैसे पाइप को ऐसे रख के पानी देंगे, जैसे हम गर्मियों में पौधों को छिड़काव करते हैं ऐसे छिड़काव नहीं करेंगे, इनको ऐसे इस लेवल पे पानी देंगे, मिट्टी में पानी देंगे। कभी कभी जब आपको लगे बहुत ज्यादा पौधे गंदे हो रहे हैं तो आप किसी दिन सुबह सुबह दे सकते हैं पानी, ताकि धूप से दोपहर में उसकी पत्तियां अच्छी तरह सूख जाएं, तो ये काम आप कर सकते हैं। वो भी कभी कभी, जो हम रेगुलर पानी देते हैं वो पानी हमें सिर्फ यहाँ देना है। और तीसरी चीज कि अब हम इनको क्या है कि इनमें फूल आ रहे हैं, फ्लावर्स आ रहे हैं, तो इनको खाना ज्यादा चाहिए, ज्यादा फूल बनाना है। देखो तरह तरह के रंग आते हैं फूलों में, सब है, तो पौधे को ज्यादा खाना बनाने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। कुछ तो एनर्जी ये लोग फोटोसिंथेसिस से बना लेते हैं पौधे, लेकिन फिर हमें बहुत ज्यादा फूल अच्छे आए इसके लिए इनको एक्स्ट्रा खाना देना जरूरी है। तो वो एक्स्ट्रा खाना हम कैसे देंगे, 10 दिन में एक बार आप लिक्विड फर्टिलाइजर दे दें। लिक्विड फर्टिलाइजर में आप ऐसा करें कि गोबर की एक, जैसे देखिए ये मैंने घोली हुई है आपको ये दिखाऊं, एक बाल्टी पानी लें, एक बाल्टी, इतनी बाल्टी पानी, ये कम से कम मेरे ख्याल 15-16 लीटर की बाल्टी होगी। इसमें आप अंदाजन 3-4 मुट्ठी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डाल दें, और आधा किलो के करीब या 3-4-5 मुट्ठी समझ लिए, अंदाजन समझ लिए 3-4 मुट्ठी इसमें सरसों खली डाल दीजिए और ऐसे इसको भिगो के रखिए। ये इसमें मैंने तो बहुत कुछ डाला हुआ है, मैंने इसमें फूल पौधों के पत्ते फूलों के भी डाले हुए हैं और गोबर की इसकी बकरी की मिंगनी भी डाली हुई है। अगर आपको मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आप इतना ही डाल दें और उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दें और 2-3 दिन उस पानी को भिगा रहने दें। और सबसे सिंपल फॉर्म है, मतलब और आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो इतना ही कर लें। फिर उसके बाद इस पानी में, जैसे 1 लीटर पानी में हमने ये घोल लिया है, इसमें और पानी मिला के इसको 2 बाल्टी कर लें या 1.5 बाल्टी कर लें और दूसरा पानी मिला के, और फिर उसके बाद 10 दिन में एक बार ये वाला पानी आप अपने पौधों को दे दें। सबसे अच्छा तरीका ये रहता है, जैसे आपने आज पानी दिया, आज फिर से भिगो के रख दें तो अगले 10 दिन इस पानी को भीगते रहने दें। फिर अगले 10 दिन बाद जब ये पानी दे देंगे तो जब उस पानी को देंगे फिर नेक्स्ट 10 दिन के लिए और भिगो के रख दें। तो वो ऐसी लिक्विड खाद जब आप अपने पौधों को देते रहेंगे, सरसों खली थोड़ी सी ज़्यादा भी एक आधा मुट्ठी डाल लें तो कोई अच्छा ही है, वो फूल फ्लावर्स लाने के लिए पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है सरसों खली का खाद। तो ये उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फॉस्फोरस वगैरह बहुत होते हैं। फिर जब ये लिक्विड फर्टिलाइजर आप दें तो इसके अंदर थोड़ा सा फंजीसाइड पाउडर भी मिला लें, आधा चाय का चम्मच, और इमीडा क्लोप्रेट एक मेडिसिन आती है उसकी भी 8-10-15 बूंदें डाल लें। तो उससे क्या होगा कि आपके पौधे को कोई भी डिजीज लगेगी ही नहीं। ये देखिए ये जिरेनियम है, ये भी इसको भी ज़्यादा नहीं चाहिए होती है। और एक और चीज़, नेक्स्ट चीज़ क्या है कि आप रोज अपने पौधों को देखते रहें, और स्पेंट फ्लावर्स जो होते हैं ना, जो फ्लावर्स मुरझा जाते हैं, जिनकी लाइफ पूरी हो जाती है, मुरझाए हुए फूल जिसको कहते हैं आप, उन स्पेंट फ्लावर्स को आप साथ के साथ काटते रहें। अगर आप रोज नहीं काट सकते तो फिर आप एक दो दिन में अपने पौधों, वैसे तो देखिए प्लांट्स हम लगाते हैं तो हमें रोज़ इनको देखना चाहिए और रोज़ इनकी केयर करनी चाहिए। इनमें से पीली पत्तियां, जैसे देखिए ये वाली पीली पत्ती हो रही है, ये पानी वानी के साथ टच हो के इसको आप हटा दें, पीली पत्तियां हटा दें, स्पेंट फ्लावर्स मुरझाए हुए फूल हटा दें। उससे क्या होता है कि नए नए फ्लावर खिलते हैं, जब आप पुराना फ्लावर हटाते हैं तो वो एनर्जी जो है वो
नए फूल में उगाने में पौधा लगाता है उसकी बची हुई एनर्जी, तो ये आप साथ साथ करते रहें। अगर आपको पौधों के ऊपर कोई भी दिखता है एफिड लगे हुए, काले काले कीड़े लगे हुए दिखते हैं, कोई पत्तियों में ऐसे फंगस टाइप आपको कुछ दिखता है लगा हुआ है, पैच दिखते हैं, पाउडर जैसा काला सफ़ेद कुछ दिखता है, तो आप इमिजिएटली उसके ऊपर एक पानी लें 200-300 ml जो भी है, उसमें थोड़ा सा फंजीसाइड दो तीन टुकड़े मिलाएं, दो तीन पिंच ऐसे दो तीन पिंच मिलाएं, और 200 ml की बोतल की बात कर रही हूँ मैं, और तीन बूंद के करीब आप इमीडा क्लोपरेट मेडिसिन आती है बाज़ार से वो मिलाएं, और उसको फिर आप स्प्रे कर दें उन पत्तों के ऊपर अच्छी तरह से जो पत्ते आपको बीमार लगते हैं। तो ये पहली चीज़ है कि आपको अपने सारे पौधों को रोज देखना पड़ेगा किसको पानी की ज़रूरत है किसको नहीं है। किसी की मिट्टी सूखी है उसको पानी दे दें, जिसकी मिट्टी सूखी नहीं है उसको पानी नहीं दें। फर्टिलाइज़र आपको हर 10 दिन में देना पड़ेगा। तो इस तरह से ये जो मैंने आपको बताया, आप अपने विंटर प्लांट्स की रोज़ केयर करें, तो इसके लिए आपको केयर वीडियोज़ भी देखनी पड़ेंगी। एक बार आपको नाम पता चल जाता है तो अच्छी तरह से मन लगा के केयर वीडियो देखिए और उसमें क्या बताया हुआ है उसको ध्यान रख के अपने पौधे की केयर करते रहें रोज। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आज आपको बताने की कोशिश की है कि आप अपने पौधों को एवरी डे कैसे उनकी देखभाल करें ताकि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फूल दें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।